नमस्कार, स्क्रिप्ट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सांग। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के भदोही से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। दरअसल भदोही के राजपुरा स्थित चौराहे पर तिरंगा जिस हाल में है उसे देखकर रंज होता है। चौराहे पर या किसी सरकारी कार्यालय पर तिरंगा लहराना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रशासन की बेफिक्री के कारण देश की आन बान शान तिरंगे का अपमान हो रहा है। दरअसल 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे कार्यक्रमों में कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक लोग राजपुरा स्थित चौराहे पर 20 फीट ऊपर खड़े खंभे पर तिरंगे को लहरा देते हैं, लेकिन उस दिन के बाद उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। मीडिया में अपनी तस्वीरें और फोटो छपवाने के बाद इस तिरंगे को इतना अपमान सहना पड़ता है। आज राजपुरा के चौराहे पर स्थित भदोही के सबसे बड़े तिरंगे की हालत काफी खराब हो चुकी है। तिरंगा पूरी तरह से बदरंग हो गया है, कई जगह से फट रहा है। तिरंगे को इस हालत में देखकर मन दुखी होता है। हालांकि चौराहे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर भदोही तहसील स्थित है, जहां दर्जनों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इसी रास्ते से आते हैं। यही नहीं, बगल में पुलिस बूथ है जो मात्र 5 से 6 मीटर की दूरी पर है। यहाँ रोज 10 से 5 पुलिसकर्मी बैठ रहे हैं, लेकिन इस तिरंगे पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में झंडे की देखभाल की जरूरत है। इस झंडे को उतारकर नए झंडे स्थापित करने की जरूरत है, ताकि राष्ट्र गौरव और अखंडता का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज शान से लहराता रहे। एक तरफ इस झंडे को भी देख लें कि झंडा किस प्रकार से गंदा पड़ा हुआ है। जिस ध्वज को हम लोग सलाम करते हैं, सलामी देते हैं, और हमारे देश के सैनिक इसी झंडे के लिपटे हुए अपने बॉर्डर का सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, तो एक प्रकार से बहुत बड़ा अपमान है इस झंडे का। और मैं शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि तत्काल इस झंडे को या तो उतार दिया जाए, या तो फिर इस झंडे को बदल कर पुनः लगाया जाए। जैसे कि ये झंडा 15 अगस्त या 26 जनवरी को लगा होगा, आप भी इसी रास्ते से आ जा रहे हैं और एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने कभी अधिकारियों को इससे अवगत कराया? जी, हम लोग मीडिया के माध्यम से कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन इसका कोई जो है क्लियर नहीं हो पाया। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।